लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रघु का बेटा ऊपर। अशोक किम को देख। को अंदर ले जाकर बांधो। तुम यहां कैसे आए? मेरे दोस्त को यहां क्यों लाए? यह मेरा जाती मामला है। जो मामला मेरे दोस्त से संबंध रखता है वो तुम्हारा नहीं, मेरा जाती मामला है। तो तुम उसे यहां से ले जाओगे? अगर नहीं ले गया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अपनी जवानी पे रहम खाओ और लौट जाओ। समझा इसलिए रहा हूं कि मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। और यही बात मैं तुमसे बोल रहा हूं, अपनी उम्र का ख्याल करो, मेरे दोस्त को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे की जगह हूं। क्या
मिसेस गोम्स, मिसेस गोम्स, आप होश में आ गई? हाँ, गॉड हमको ठीक टाइम पर होश में लाया, हमको ठीक टाइम पर होश में लाया, नहीं तो तुम आपका जिंदगी के लिए अपना होश खो बैठता, तुम अपना झांसे से अपना बेटे का खून कर देता। ये आप क्या कह रही हैं? नाम दो, ये तुम्हारा बड़ा बेटा जॉनी है, जॉनी। दामोदर और रघुवीर ने रुपए के लालच में मुझे मारकर दरिया में फेंक दिया। डॉन नाम के एक आदमी ने मुझे बचा लिया और अपने साथ विदेश ले गया, और वहीं मुझे पता चला कि कोयना के जलजले में मिसिस गोम्स और मेरा सारा खानदान तबाह हो गया है, कि अचानक डॉन ने मुझे किसी जरूरी काम से यहाँ भेजा। अब जब तक चक्की के असली कातिल रघु और दामू को पकड़वा कर अपनी बेगुनाही का सबूत ना हासिल कर लूं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो दामू का बेटा उस वक्त तक यहां से नहीं जाएगा जब तक उसका बाप अपना जुर्म कबूल करके आपको बेगुनाह साबित न कर दे। दामू, तुम क्या मुझे जिंदा देखकर ताज्जुब हो रहा तुझे? मैं नाम दे जग्गी नहीं जो इतनी आसानी से मर जाऊंगा। मैं दामू हूं, दामू, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। मैं तुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ा के मरूंगा। यार दामू, तू गलत समझ रहा है, मेरा बेटा कोई तुझको थोड़ी मारना चाहता था, वो तो नामदेव के बेटों को मारना चाहता था। नहीं नहीं, तेरे बेटे मुझको मारना चाहते थे, मैं तो बच गया, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। मैं पुलिस को जाकर तेरे तमाम करतूत बता दूंगा, कह दूंगा कि तूने जग्गी और नामदेव का खून किया। अरे जा जा जा, ये धमकी किसी और को देना समझा, अगर मैं फंसूंगा ना तो तू भी नहीं बचेगा। नहीं, इस खून का सबूत सिर्फ तेरे खिलाफ है। अरे जा जा, यकीन नहीं आता, देख। क्या आ गया यकीन? हाँ, जब तू जग्गी का खून कर रहा था मैंने ये तस्वीरें खींची थी, क्योंकि मैं जानता था एक दिन तू मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा और मैं तब इन्हें तेरे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रघु, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये क्या किया तूने? मैंने आपकी जान चाहिए। अरे मगर उसके हाथ में वो तस्वीर, इसमें मैं जग्गी का खून कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, तेरा बाप बेकसूर है। क्या? हाँ, जग्गी का खून तेरे बाप ने नहीं किया, रघु ने किया, रघु ने। देखो उसे बातें कर रहा है, इससे पहले कि वो तस्वीर उसको दे दे, जा तू उससे तस्वीर ले ले, जा जल्दी जा। यही कहीं मेरा पर्स पड़ा, उसमें तेरे बाप की बेगुनाही का सबूत है, उसको ढूंढ। ढूंढ
नीचे उतरो, नीचे उतरो। वाह बेटे, अपने बाप की बेगुनाही का सबूत ले जा रहे थे। सीधा चलो, दामू को तो हमने ऊपर से नीचे पहुंचा दिया, तुम्हें नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे। चला, ये लीजिए डैडी, ये रहा नामदेव का बेटा। ए, दामू ने मरने से पहले तुझे क्या दिया था? तेरी मौत का परवाना। क्या बकता है? चिल्लाने की आदत अभी तक नहीं गई टांगे वाले। ए, बेटर की औलाद, मुंह संभाल के बात कर वरना। अरे चुप है। अबे शुक्र कर, इस वक्त मुंह से बात कर रहा हूं, हाथ और लात से नहीं। कुछ देर पहले अगर तेरे बाप की असलियत का पता चल गया होता तो आज नीचे दामू की जगह तेरे बाप की लाश पड़ी होती। बकवास बंद करो, पर्स मेरे हवाले कर। कमान कमान, हरी अप हरी अप मैन। अब तो मैं ये पर्स सिर्फ पुलिस के ही हवाले करूंगा। अच्छा, इसे तो जलने दे बेटे। कमान, ये सबूत तो जल गया रेडी, कहिए तो इसे भी खत्म कर दे। हेलो रघु, मैं नामदेव बोल रहा हूँ। मरने वाले बोला नहीं करते, उनका खामोश रहना ही बेहतर है। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब तुम और तुम्हारे बेटों के मरने का वक्त आ गया है। नामदेव, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ढाक, मुझे बचाइए ढाक, ये लोग जबरदस्त मुझे यहाँ पर पकड़ कर ले आए। अशोक अशोक अशोक, अशोक। क्यों, गलत फहमी दूर हो गई? अब अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो पुलिस में जाकर कह दो कि जग्गी का खून तुमने किया था, मैंने नहीं। इतनी जल्दी? जरा अपने बेटे सनी से तो बात कर लो। लो पिताजी। सनी, तुम वहां कैसे पहुंच गए? पिताजी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, जाके पुलिस से कहिए कि मैं आया। सुन ली अपने बेटे की आवाज? अब मेरे बेटे को सही सलामत मेरे हवाले कर दो, वरना उसका भी वही हशर करूंगा जो मैंने दामू का किया है। दामू का? क्या किया तुमने दामू का? उसे भी हमने अपने दोस्त जग्गी के पास पहुंचा दिया है। नामदेव, अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो उसे ठीक 2 बजे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पे लेकर आ जाओ। मेरा बेटा मुझे दे दो और अपना बेटा ले जाओ। तो तुम क्या समझते हो कि बच्चे बदलने से तुम बच जाओगे? जब पुलिस को पता चलेगा कि नामदेव तुम हो तब क्या होगा? और जब उसी पुलिस को पता चलेगा कि जग्गी के असली कातिल तुम हो तब क्या होगा? इसका सबूत किसके पास? सबूत? बास्टर्ड, सबूत यह है। Hold it. अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो उसकी मौत उसके पीछे खड़ी है। डॉन? कौन हो तुम? डॉन, मैं ही तुम्हारा असली डॉन हूं। तुम लोग आपस के झगड़े बाद में निपटा लेना, पहले मैं जिस काम के लिए आया हूं उसे पूरा कर लो। नामदेव, तो मेरे साथ अंदर चलोगे, ख्याल रखना। नामदेव, आज रात इस होटल की ओपनिंग के बाद तुम मेरे साथ हांगकांग चलोगे। क्यों? तुम्हारे जाने के बाद हांगकांग की पुलिस डॉन को गिरफ्तार करने आई थी, इसलिए मैं यहां डॉन को लेने आया। डॉन को? लेकिन डॉन तो आप हैं। तुम्हारी नजरों में मैं डॉन हूं, लेकिन पुलिस की नजरों में डॉन तुम हो। जी हाँ, तुम। अब तुम अपने आप को वहां की पुलिस के हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्दी तुम्हें वहां से आजाद करवा लूंगा और तुम्हारी बेगुनाही का यह सबूत भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हारे हवाले कर दूंगा? अगर मैं इनकार कर दूं तो? नहीं करोगे, और अगर करोगे तो यहां मैं इस सबूत के पुर्जे पुर्जे कर दूंगा
और वहां बाहर मेरे आदमी तुम्हारे बेटों के टुकड़े टुकड़े कर। ये लो लो, एक एक अंगूठी तुम तीनों पहन लो। लेकिन पिताजी, ये अंगूठियां आप हमें क्यों दे रहे हैं? इन पर ईसा मसीह, अल्लाह और ओम का नाम है, खुदा की खुदाई तुम्हारे साथ है। अब तुम तीनों यहां से सीधे घर चले जाओ। नहीं पिताजी, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि यहां से चले जाओ। तुम सबकी भलाई इसी में है। और हां, घर पहुंचते ही फौरन मुझे इस जगह फोन कर देना। जाओ। लेकिन डॉन, इन तीनों वीर इधर आओ। इन तीनों को जाने दो। जाओ, जल्दी करो, जाओ। रघुवीर, दोस्त के पिता का हुक्म है, इसलिए अभी जा रहा हूं। लेकिन अपने पिता की मौत का बदला लेने फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। एक बात याद रखो रघु, दुश्मन को कभी भी अपने घर बुलाकर मत मारो। दुश्मन को कभी अपने घर बुलाकर मत मारो। उसको उसी के घर में मारो। उसको उसी के घर में मारो। दुश्मन भी खत्म हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। और किसी को शक भी नहीं होगा। नामदेव के बेटे अपने घर सही सलामत पहुंचने की खबर अपने बाप को टेलीफोन पर देंगे। और जैसे ही वो टेलीफोन नीचे रखेंगे मेरा बेटा जबिस्को और उसके साथी उन्हें गोलियों का निशाना बना देंगे। गोलियों का निशाना बना देंगे। सुनाई नहीं देता, चलो चल के रुकते हैं। चलो हेलो पिताजी। हाँ बेटे, तुम लोग ठीक तरह से पहुंच गए ना? हाँ पिताजी, आप? मैं ठीक हूँ। पिताजी आप हमारे साथ आए क्यों नहीं? वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। पिताजी आप कोई मुसीबत में तो नहीं है? लेकिन जब तक मैं ना हूं तीनों इकट्ठे रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तुम? ये कौन है? डॉन का बेटा और तुम लोगों की मौत। याद है मिस्टर विकी, तुम्हारे कारण मेरे लंदन के कैसीनो का लाइसेंस कैंसिल हुआ था। आज मौका मिला है तुमसे बदला लेने का। चलो चलो। रुक जाओ, तुम लोगों की मौत की खबर सुनकर डैडी बहुत खुश होंगे। नीलडा सुना नहीं? फिर लो पे आओ। कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं? अगर होती तो भी कौन पूरी करता? तुम्हारी माँ की मौत का बदला हम लेंगे। चल, तेरा बाप तेरे फोन का इंतजार कर रहा है। उससे फोन पे बात कर और बोल कि तूने हम तीनों को खत्म कर दिया है। ये ले, बोल। घुटनों पे, घुटनों पे।
Yes. डैडी, डैडी मैं इन तीनों को खत्म कर दिया। शाबाश बेटे, I am proud of you. See you tonight. लेके जाओ। तुम्हारे पिता की जिंदगी इस वक्त खतरे में है, उन्हें जल्दी बचा लो। मैंने रिपोर्टिंग करते हुए ये भी पढ़ लिया था कि होटल के ओपनिंग के बाद वो लोग उन्हें जबरदस्ती हांगकांग ले जाएंगे। अंकल को बचाने के साथ साथ डॉन से उनकी बेगुनाही का सबूत भी हासिल करना है। वो तो सब ठीक है, लेकिन हम आज जाएंगे कैसे? आज रात वहाँ मेरा और मेरे ट्रूप का प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम तुम्हारा, ट्रूप हमारा। डैडी, डैडी, नामदेव के लड़के बच कर भाग गए। भाग गए? लेकिन तुमने तो कहा था कि वो, और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इसके चेहरे पर ईसा मसीह की फिटकार है, अल्लाह की मार है और ओम की धिक्कार है। बेटे, मेरी बेगुनाही का सबूत इसकी जेब में पड़ा है। घबराइए मत पिताजी, वो फोटोग्राफ तो लड़कियां अपने साथ लेकर चली। चलो।
पिताजी आप ठीक हैं? ठीक है जाओ, चल। सब दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। ठहर ठहर उधर से सामने चलो। ऐसा मसीह तुम्हारे साथ हैं, उन्हीं का सहारा लो। अंगूठियों की पुली बनाकर यहां से फौरन निकल जाओ। अंगूठी निकालो। उनके पास ये लॉटरी का टिकट है 5 लाख रुपए का, मांगता है तो लो नहीं तो मारो, खाना खाए तो मार भी खाएगा। क्या क्या बात है जॉन? पिताजी आदमी पैसे नहीं दे रहा, बोल रहा कि दुनिया आज से 20 साल पहले आप आजाद होटल में आए थे तो आपने इसी तरह खाना खाया था और आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, आपने अपना लॉटरी का टिकट बेचा था ना? बेचा तो था। वो टिकट हमने खरीदा था। लाओ बेटा टिकट लाओ, ये लो टिकट। भूल कर भी अपना नसीब किसी को बेचना नहीं, समझे? क्या बात है अंकल, क्या हुआ? देखो बेटा, ये आदमी जब भी यहाँ आए इसको आने देना, जो भी खाए खाने देना, इससे कभी कोई पैसा नहीं लेना। इस होटल नसीब में इस गरीब का भी नसीब शामिल है। एवरीथिंग इज फ्री। डांस भी फ्री।